अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होममेड किचन फूड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई कोकनी स्टाइल। ये हमारी सुरमाई फिश, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं, बहुत अच्छे से वॉश किए हैं। और हमारी मच्छी थोड़ी फिश ज़्यादा है तो इस हिसाब से हमने मसाला लिए। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी मसाले की सेट कर सकते हैं। और इसको मसाला लगा के बताते कैसे लगाना है। तो ये है कोकनी मसाला, मच्छी में यूज़ होता है ये। और ये लिए हमने लगभग आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा है, इसका कोई मेजरमेंट तो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये है हमारे घर के मसाले। ये है 6 टेबलस्पून है कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और ये है कुटा भुना जीरा 3 टेबलस्पून, और ये धनिया पाउडर है 6 टेबलस्पून, और ये हल्दी पाउडर है 2 टेबलस्पून, और ये नमक है 3 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून है नींबू का रस। फिश का मसाला बनाने के लिए, मसाला कैसे बनाना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये डाल रहे हैं हम मसाले। ये है फिश मसाला, खास करके मच्छी का मसाला है, नमक, नींबू का रस, और बाकी ये सारे मसाले जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी डाल के इसको मिला लेंगे, और मिला के हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको रखना है। तो ये ले लिए हमने फिश, अभी इसको मसाले को हम लगाएंगे। और नमक भी हमने मसाले का टेस्ट कर लिए थे, तो मसाले में नमक बराबर है, इसे लगाएंगे। और किसी को मसाले में इस तरीके से लगाना, किसी का मसाला अगर छूट जाता है तो इसके लिए ऐसा है कि आप या तो चावल का आटा ले लें, या सूजी ले लें रवा, उसमें लपेट लें। और फ्रीजर में कैसा सेव करके रखना है कि 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, वो भी हम दिखा देंगे आपको। तो ये फिश को हमारे मसाला लग चुका है। सारी फिश के लिए हमको ऐसे ही मसाला लगाना है। और इसको अगर किसी को नहीं जम रहा है मसाले से, तो रवा कैसे लगाना, एक प्लेट में रवा या चावल का आटा ले और फिश को इसमें सूखा डस्ट करें, फिर फ्राई करने के लिए रख दें कम तेल में। तो ये है चावल का आटा और ये है रवा। तो अभी हम लगा के बताते हैं आपको कैसा इसको करने का है। जो बिगनर्स लोग हैं उनके लिए खास करके ये रेसिपी को मैं बता रही हूँ। इससे क्या होएगा, हमारा ये जो मसाला हमने लगा के रखे हैं वो छूटेगा नहीं, किसी किसी से हैंडल नहीं हो पाता है मसाले वाला। ये है रवा, रवे में अभी इसको डस कर रहे ऐसे। और हम दोनों चीज़ आप लोग को फ्राई करके बताएंगे। अभी फ्रीज़र में रखने वाला तरीका भी बताते हैं, ठीक है। तो ये है सिर्फ मसाले वाली, और इसी को हमने किए हैं चावल के आटे में डस्ट, और इसको ही किए हमने रवे में। अभी फ्रीज़र में इसको कैसे सेव करना है वो हम आपको दिखाते हैं अभी। ये एक प्लास्टिक का कोई भी पेपर लेने का, और इसको ऐसे रखने का, ऐसा। कोई भी फ्रीजर में कोई भी चीज़ आप लोग सेव करना चाहते हो तो इसका तरीका इस तरीके से कर सकते हैं। और ये इसके ऊपर ऐसा रखने का, और जब फ्रीज़र में ये कड़क हो जाएगी तो इसको कोई भी चिपर बैग वगैरह में भर के रख सकते हैं, कभी भी तल के खा सकते हैं। तो अभी हमने इसको फ्राई करने के लिए निकाल लिए 1 घंटे पहले। तो ये इस अच्छे से नरम हो चुकी है, ये भी दिखा देती हूँ। अभी इसको हम फ्राई करने के लिए रख रहे हैं, तेल हमने गरम करने रख दिया है। तेल हमने डाले हैं 5 से 6 टेबलस्पून, और हम एक साथ सब कर लेंगे मीडियम टू लो हीट पे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है 1 घंटा पहले निकालने का, तो एकदम स्लो गैस करके फिश को फ्रीजर में से फौरन
डाल सकते हो फ्राई पैन के अंदर और स्लो गैस पे इसको फ्राई करने का, ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए और अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो अभी हम इसको पलट रहे हैं, सब फिश को पलट लेंगे, दो तीन बार पलट के सेक लेंगे अच्छे से। फिर जैसे ही रेडी होएगा हम उसको आपको दिखाते हैं। फिर ये भी पलट लेंगे मसाले वाली भी। तो अभी हम इसको सेकंड साइड से पलट रहे हैं। ऐसे ही हमको दो तीन मरतबा पलट के पका लेने का है, सब फिश को पलटने का है। तो देखिए, तो ये हमारी फिश रेडी हो गई है। अभी हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, सब फिश पक चुकी है। ये भी पक चुकी है जिसपे हमने रवा लगाए थे, ये भी पक चुकी है जिसपे हमने चावल का आटा लगाए थे। और आप लोग बनाना घर में, बताना कौन सी अच्छी लगी है। तो आप लोग को मेरी फिश रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।